रहीम एफएससी बायोलॉजी पार्ट टू चैप्टर नंबर 19। हम कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं उसकी ग्रोथ पैटर्न को, दो कंडीशंस आ जाती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ जाते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। और इंटरनल फैक्टर्स में इसके हार्मोन और विटामिन आ जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर वाले देखते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर आ जाता है, तो प्लांट्स में ये टेम्परेचर जो है ये इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ रेट को। इसकी स्पेसिफिक रेंज 0 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, इस रेंज में प्लांट्स जो है वो इन्फ्लुएंस होती हैं, इनकी ग्रोथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है। नॉर्मली जो रेट ग्रोथ का रेट है वो मैक्सिमम होता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है ग्रोथ भी इंक्रीज होती है, और जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है ग्रोथ भी डिक्रीज करती है। मैक्सिमम ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम रिक्वायर है टेम्परेचर प्लांट्स के लिए, दैट इज़ 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और कम से कम जो टेम्परेचर रिक्वायर है कि उसमें भी ग्रोथ होती ही रहती है, दैट इज़ 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जैसे 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें प्लांट्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, प्लांट्स की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसमें इंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं प्लांट्स में। सेकेंड फैक्टर आ जाता है लाइट। लाइट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रोथ में। कैसे? क्योंकि लाइट जो है, लाइट की जो फ्रैक्शन होती है प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो भी अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है प्लांट की ग्रोथ को। लाइट का इन्फ्लुएंस जो है प्लांट पे वो 3 वेज में होता है। लाइट की इंटेंसिटी आ जाती है, उसकी क्वालिटी और ड्यूरेशन, कि कितनी ड्यूरेशन के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं लाइट, और लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, और लाइट की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी में रेड और फार रेड लाइट आ जाती है। जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, प्लांट की सेल्स का नंबर जो है वो डिवीजन जो है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो रेड लाइट है वो प्लांट के सेल्स को इलोंगेट करती है, और ब्लू लाइट जो है वो सेल को डिवीजन में, सेल को डिवाइड करती है लेकिन उसको इनलार्ज नहीं होने देती है। ब्लू लाइट, रेड लाइट जो है वो इलोंगेशन करवाती है। इसी तरह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो प्लांट्स में, प्लांट सेल्स को इलोंगेट करने में या इलोंगेशन का फैक्टर इसका रोल प्ले करती है। और इसके अलावा ड्यूरेशन जो है लाइट का, वो प्लांट की वेजिटेशन के लिए, यानी कि उसकी बॉडी, बाकी बॉडी सेल्स की ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करता है। और लाइट का ड्यूरेशन जो है यही इंड्यूस करता है या सप्रेस कर देता है फ्लावरिंग को, कि प्लांट में फ्लावरिंग होनी है या रुक रही है, ये असल में लाइट का ड्यूरेशन होता है। जिसमें हमने शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट पढ़े हैं, वो असल में लाइट का ड्यूरेशन होता है जो प्लांट्स की फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, यानी कि प्लांट में फ्लावरिंग होती है या नहीं होती, दैट इज डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन। प्लांट्स को रेगुलर ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो नहीं होती प्लांट में। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन का लेवल जो है वो हाई कर दें, हाई सप्लाई कर दें, तो वो भी प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, रोक देती है ग्रोथ को। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि असेंशियल है प्लांट के नॉर्मल फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए, और लेकिन इसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करवाने से प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है। वाटर जो है, वाटर जो है एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये सेल की इलोंगेशन करवाता है और प्लांट ग्रोथ जो है वो वाटर की, वाटर अगर ना अवेलेबल हो तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो सीज हो जाती है। इसके अलावा जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि अगर न्यूट्रिएंट डिक्रीज हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। इसके अलावा बहुत सी जो है क्लोरोसिस और बहुत सी तरह की डिजीज प्लांट्स में अपीयर होती है। इंटरनल फैक्टर में हॉर्मोन्स और विटामिंस आ जाते हैं। हॉर्मोन्स जो प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए, इंडोल एस्टिक एसिड जो कि इलोंगेशन करवाता है, बहुत से विटामिन जो है ऑर्गेनिज्मिक जो है कंपाउंड जो सेंथिसाइज होते हैं प्लांट्स के अंदर ही, वो प्लांट लेने के प्लांट लाइट में खुद ही विटामिंस प्रोड्यूस करवाता है। अगर प्लांट को ग्रो करवाया, लाइट में ग्रो करवाया जाए तो ये इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसी वजह से प्लांट में ग्रोथ जो है वो सीज हो जाती है।
क्योंकि वाइटामिन जो हैं वो प्लांट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होते हैं, और डार्क में जब ग्रो करवाया जाएगा तो उसमें वो वाइटामिन